तो फ्रेंड्स ये वो फ़्रॉक है जिसका कि मैं आज आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ और ये मैंने किस तरह से बनाई है सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कौन सा वूल इसमें यूज़ किया है और कितना किया है तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैंने वर्धमान का वूल इसमें यूज़ किया है मैं हमेशा गंगा और वर्धमान दो तरह के वूल को यूज़ करने में प्रेफ्रेंस रखती हूँ और साथ ही साथ मैंने इस पूरे पैटर्न को दस नंबर की सिलाई से बनाया है और आपको मैं बताती हूँ कि आज का जो पैटर्न है वो भी मैं किस सिलाई पे बिनने वाली हूँ तो सबसे पहले देख लीजिए जितना आप अच्छे आ, म, मोटी सिलाई लेंगे मोटे उनके अकॉर्डिंग टू वूल लेंगे सिलाइयाँ तो उतना ही अच्छा पैटर्न आएगा तो ये वो सिलाइयाँ हैं जिनसे मैं बिनाई करती हूँ और भी मेरे पास हैं इस आज का जो पैटर्न है वो मैं दस नंबर की सिलाई से बिनूंगी और ये जो मैंने बनाया है फ्रॉक ये भी मैंने टेन नंबर की सिलाई से ही बनाया है और ये मेज़रमेंट टेप है जिससे मैं इस फ्रॉक को मेज़र करके आपको बताने वाली हूँ और ये वूल हैं जो छोटे थोड़े मेरे पास अभी रखे हैं इनसे ही मैं आपको आज का पैटर्न बताने वाली हूँ और फ्रेंड्स ये तरह तरह के वूल हैं ये वाला जो वूल है ये मैंने इस तरह का बेज कलर में भी यूज़ किया था ये शाइनिंग वाला है और बाकी जो है ब्लैक और वाइट जो था वो इस पर्पल कलर के वूल की तरह सॉफ्ट था बिना शाइन का था तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना कॉन्ट्रास्ट यूज़ करती हूँ जब मैं कोई चीज़ बनाने लगती हूँ तो जब मैं मार्केट जाती हूँ तो इस तरह से जब भी मैं वूल खरीदती हूँ तो इस तरह से मैं फूल को लपेट लपेट के देखती हूँ कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट बेस्ट हो रहा है अगर उसमें अगर आपको पसंद आता है तो जैसे ये मैंने बनाया तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे हटा दूँगी इसके साथ कुछ दूसरा कलर देखूँगी तो ये कलर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है तो ये देखिए आज मैं इस तरह के ट्राई कलर को यूज़ करके अपने पैटर्न को आपको बना के दिखाने वाली हूँ तो ये मेरा आ, ये फाइनल लुक है इस पैटर्न को बनाने का तो सबसे पहले ये एक इंच टेप जो है इसमें मैं सेंटीमीटर से ही आपको नाप के दिखाऊंगी कि कितना मेजरमेंट मैंने इसको लिया है तो ये पूरा मेजर जब मैंने मेजर किया था इस फ्रॉक को तो ये नाइन्टी थ्री आ गया था सेंटीमीटर और जब ये पैटर्न वाला भाग किया था मैंने मेजर तो ये निकल गया आया फोर्टी एट और जो ब्लैक वेस्ट से लेकर ऊपर शोल्डर तक का पार्ट है वो निकल के आया फोर्टी फाइव सेंटीमीटर टोटल हो गया नाइन्टी थ्री उसके बाद जो केवल ब्लैक पोर्शन था वेस्ट से बगल तक वो था ट्वेंटी सिक्स और आम होल्स तक जो मैंने बगल निकाली थी वो था ट्वेंटी वन और इसकी जो आस्तीन का पार्ट है वो था फिफ्टी वन सेंटीमीटर तो इस तरह से मैंने इसको आपको मेजर करके दिखा दिया ये है गोल गला इसमें दस फंदे इकट्ठे आपको एक साथ ही घटा देने हैं और जो बगल की सीध से होंगे जो आम होल की सीध से होंगे और ऊपर की तरफ हर इसी लाइन में दो का एक करते हुए घटाते हुए जाना है और ये है मेजरमेंट इसमें आम होल में जो आप फंदे घटाएंगे वो है फोर थ्री टू वन तो इस रेशो में आपको आगे और पीछे अपने फंदों को घटा लेना है अब शुरू करते हैं पैटर्न को तो ये कलर का वूल और इस तरह इतना पतला मैंने ऊन लिया है तो इसलिए इसके लिए मैं टेन नंबर की सिलाई को यूज़ करूँगी सबसे पहले बिना गांठ लगाए मैं इस पैटर्न में फंदे डालना शुरू कर रही हूँ मैं आ, फंदे मैं गांठ नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वो अच्छा दिखता नहीं है और इसलिए बिना गांठ लगाए मैं इस पैटर्न को इस तरह से बनाऊंगी छोटे धागे को आगे कर लूंगी और जो लंबा वाला वूल है उससे मैं ही नए फंदे गिराते जाऊंगी और इस तरह से मैंने इसमें 43 फंदे रख लिए हैं और जो मैंने एक्चुअल वो फ्रॉक बनाई है फ्रेंड्स उसमें मैंने बॉर्डर में सबसे नीचे वन ट्वेंटी फंदे रखे हैं और नीचे से ऊपर तक सेम ही फंदे रहेंगे और जो ये पैटर्न में बनाने जा रही हूँ इसमें मैंने टोटल फोर्टी थ्री फंदे रखे हैं और क्योंकि जो है एक एक एडिशनल किनारे पे फंदे रहेंगे तो इस तरह से आप अपने फंदों का मेजरमेंट कर लीजिएगा जितने भी फंदे आप डालेंगे वो और नंबर पे डालिएगा अगर ट्वेंट वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर डाल रहे हैं तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डालिएगा और उस तरह से आप अपने पैटर्न को शुरू कर सकते हैं मेरी पहली लाइन उल्टी होगी क्योंकि मैं उल्टे हाथ से फंदा डालती हूँ तो मैं यहाँ पर उल्टी लाइन बिनना शुरू कर रही हूँ मैंने फंदे में गांठ लगा ली है लास्ट में और उनको सिक्योर कर लिया है अब देखिए मैं इस पूरी लाइन को उल्टा ही बिनने वाली हूँ ये पूरी लाइन में उल्टी बिनते जा रही हूँ और जब हम सीधी लाइन में पहुंचेंगे तो वहां से मैं पैटर्न भी शुरू करूंगी और बॉर्डर भी शुरू करूंगी। तो ये सीधी लाइन है फ्रेंड्स पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बिने और दूसरे फंदे को हम बिनेंगे और अपनी ऊन को पीछे ही रखेंगे और यहाँ से हम फंदा बढ़ाते हुए ये ये ता, ये जो ऊल है उसको पीछे ही रखेंगे इसी से फंदा बढ़ाएंगे और सेवन गिनते हुए फंदे बिन लेंगे तो पहला फंदा मैंने बिन लिया है इस तरह से मैंने ये पीछे से ही फंदे को बढ़ाते हुए बिन लिया तो अब ये टू हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन तो ये सेवन फंदे हम बिन लेंगे इनिशियल में फंदा बढ़ाते हुए ठीक है यहाँ पर ये बॉर्डर जो है ये जो पैटर्न है वो सेवन नंबर से ही चलेगा आप नाइन कर सकते हैं इलेवन कर सकते हैं और फिर मैंने तीन फंदे देखे यहाँ पर इकट्ठे घटा लिए हैं अब उसके बाद फिर से मैं सेवन बिन फंदे उल्टे बिन लूँगी ये पैटर्न जो है वो सै नंबर पे ही चलेगा जैसे ही सेवन नंबर मैंने यहाँ पर उल्टे फंदे बिन लिए हैं सेवन तक उसके बाद मैं अपने ऊन को आगे ही रखूँगी अब यहाँ पर एक जाली बनाएंगे जो जाली सीधी बनेगी अब ऊन आगे ही रहेगा और हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बिनेंगे इस तागे को आगे से पीछे ले जाएंगे इस तरह से अब तागा या ऊन पीछे ही रहेगा अब हम सेवन उल्टे बिनेंगे इस तरह से तो आप गिन के सेवन उल्टे फंदे बिन लीजिएगा जब सेवन उल्टे फंदे बिन जाएंगे फिर तीन का एक घटाइएगा सेवन प्रॉपर बिन लीजिएगा उसके बाद ये मैंने बिन लिए हैं सेवन और ये तीन का एक मैं कर दूंगी यहाँ पर फिर देखिए सेवन फिर से बिनूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये मैंने मतलब सेवन बिन लिया अब लास्ट में मेरे दो बच्चे हैं क्योंकि मेरा पैटर्न ख़त्म हो रहा है आपका जब ख़त्म होगा तो ऐसा ही आना चाहिए और फिर अब हम इसमें आगे करते हुए दो फंदा बिन लेंगे मतलब तागा आगे ही रहेगा और दो सीधे बिन लेंगे और हम उल्टे पे पूरी ही उल्टी सिलाई बिनेंगे ना फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे सिंपल पूरा उल्टा बिन लेंगे जो फंदे का तागा हमने आगे किया है उनको आ, फंदा बना लेंगे हम लोग और फंदा बना के बिन लेंगे देखिए इस तरह से ये बढ़ाया था ना तो इसको इस तरह से बिन लेंगे और पूरी लाइन उल्टी चलेगी बीच में भी जो हमने जाली निकाली थी उसमें भी जो वो फंदे तागे हमने आगे किए थे उनको भी हम इस तरह से बिन लेंगे बीच का सीधा एक बिन लेंगे और फिर इसी तरह से पूरा हम पैटर्न पूरा करेंगे और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर भी हमने बढ़ाया था फंदा तागा आगे किया था उनको आगे किया था तो उसको भी हम इस तरह से बिन लेंगे यही पैटर्न हमारा हर बार फॉलो होगा लास्ट वाला इस तरह से अगर आप भी लेंगे तो एक चेन आ जाती है और जिससे कि आप जब स्वेटर को सिलेंगे तो बड़े अच्छे से सिलाई हो जाती है अब ये पहला हम बिना बिने ही दूसरे में सिलाई में ले लेंगे दूसरा सीधा बिनेंगे और अब ये पहल, अब ये फिर से हम ऊन को पीछे रखेंगे और साथ हम उल्टे बिन लेंगे इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को बार बार दोहराते जाएंगे यही डिज़ाइन हमने दोहराना है देखिए ये बीच में जो उल्टा है ना वो अपने आप से दिखने लगेगा तो उसके अगल बगल के फंदे लेके तीन का एक कर लीजिएगा फिर सात बिन लीजिएगा अब देखिए यहाँ पर सातवां फंदा ये होगा हमारा ठीक है जो बड़ा है ये मिला के टोटल सात हो जाएंगे और ये अब आपका ऊन आगे ही रहेगा फिर से एक जाली यहाँ पर बन जाएगी सीधा बिनेंगे और तागा आगे से पीछे करेंगे धागे को आगे से पीछे कर लेंगे और फिर ऊन पीछे ही रहेगी और ऊन को पीछे से ही आगे करके फंदे बिन लेंगे और ये बिना हुआ फंदा सेवन होगा वन इस तरह से फिर से जहाँ पर तीन फंदे इकट्ठे करने होंगे सेवन बिनने के बाद आप सेवन बिन लीजिएगा और उसके बाद आपको खुद ही दिख जाएगा एक एडिशनल फंदा और उसके बगल में तीन फंदे का एक वाला फंदा तो आप उन तीन फंदों को एक कर लीजिएगा ये बीच में आएगा ये तीन का एक एक ये लेंगे आप किनारे का फिर बीच में और फिर उस तरफ का एक किनारे वाला फंदा लेंगे तो तीन का एक कर लेंगे आप और इसके बाद फिर से आप उसी पैटर्न में सेवन फंदे बिनेंगे फिर ये सेवन नंबर होगा बड़ा हुआ फंदा इसको बिन लेंगे फिर यहाँ पर फिर से जाली बना देंगे और किनारे पे आप पहुंचेंगे तो यही पैटर्न आपका आ जाएगा तो इस तरह पूरा पैटर्न इसी तरह से बनता जाएगा टलेगा ये वन ट्वेंटी वन और टन टवेंटी फाइव ऐसे डलेंगे तो आप उसमें पूरी लाइन इसी तरह से फॉलो करेंगे लास्ट में फिर दो बिनेंगे ये तीसरा जो है बढ़ावा फंदा भी उल्टा उल्टा बिन लेंगे तो हर बार यही पैटर्न फॉलो होगा क्योंकि ये बॉर्डर बन रहा है तो आगे पीछे अभी दोनों तरफ से उल्टा ही मैं बिन रही हूँ तो चार लाइन का मैंने ये बॉर्डर फॉलो कर लिया है फ्रेंड्स अब हम सीधा शुरू करेंगे सीधा भी ये रहेगा दो सीधे बिने जाएंगे अब हम उनको आगे कर लेंगे और अब हम इस फंद, इनको बिन लेंगे आगे करके जो हमारे सेवन फंदे हैं उनको हम बीन लेंगे देखिए अब उसके बाद हम बिन लेंगे इसके बाद हम अब यहां पर बीच में वो आपको दिख रहा होगा उल्टा फंदा ये और इसके किनारे और इधर से हम लोग साथ हो गए हैं अब इसको इस तरह से हम घटा लेंगे तीन का एक कर लेंगे और फिर हम वही पैटर्न को सीधे में बिनेंगे फिर बिनेंगे फिर जब हमारा जहाँ पर जाली आएगी फिर वो जाली अपने आप दिखने लगेगी हम उस जाली को फॉलो करते जाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से आता जाएगा और ये जाली को अब हम ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे ये अंत तक ऐसे ही बनेगी और तीन इसके बाद जो सीधा भी लेंगे उसके बाद तीन फंदे को एक करेंगे बार बार यही पैटर्न हर लाइन में यही दोहराएंगे और ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है और जब अब हम उल्टी तरफ का जो फंदे हमने बढ़ाया था ना कॉर्नर पे उसको हम इस तरह से बिनेंगे बीच के तो जाली वही रहेगी लेकिन बस कॉर्नर के फंदों को हम थोड़ा मोड़ के उसको बिनेंगे क्योंकि यहाँ से हम जाली खत्म कर रहे हैं कोने की और यहाँ से हम इसको फंदे को फंदे की तरह बिनेंगे विदाउट जाली तो इस तरह से आपका ये पैटर्न बनता जाएगा अगर आपको आप नया तागा लगाना है तो इस तरह से तागे को फोल्ड करते जाइएगा अब दो सीधे आपने बिन लिए आप फिर से धागे को आगे करिए और सेवन सीधे बीन लीजिए यही पैटर्न बार बार फॉलो होता जाएगा फ्रेंड इसमें कुछ भी नया बदलेगा नहीं आप बस आप तागा बदल लीजिएगा और जैसा पैटर्न है फ्रॉक में वो डालते चले जाइएगा और ये बनना है आपको फोर्टी फाइव 45 इंच तक आपको इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करना है इसमें वाइट भी लगेगा बेज भी लगेगा और ब्लैक भी लगेगा यही पैटर्न आप बार बार बनाते जाएंगे बस आप इसी तरह से इसको फॉलो कर दीजिएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ अब ये जो रेड कलर का ऊन मैंने लगाया इसके मैं केवल दो लाइन बिनूँगी फिर मैं चार लाइन येलो की बिनूँगी और फिर दूसरा कलर जब लगाना होगा तो उसकी भी दो लाइन बनू बनाऊँगी तो ब्लैक वाला जो आप यूज़ करेंगे वो ज़्यादा यूज़ करेंगे और आप बेज और वाइट को केवल दो दो लाइन करके पिन लेंगे आप स्वेट फ्रॉक का पैटर्न फॉलो कर लीजिएगा तो जब अंत में आप आएंगे तो देखिए अंत में आप इस तरह से इस जाली को इस तरह से मोल्ड करके बिन लेंगे ताकि जो दोनों तरफ किनारे कॉर्नर पे आपको सेम यही करना है अब हम ऊपर के जो काला जो पैटर्न है वेस्ट के पास का उसको बनाने जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना पे दो सीधे और दो उल्टे बिनने